अगर जोश नहीं होगा, अगर कोई आवाज नहीं आएगी तो फुर्का नहीं होगा, तो और किसके अंदर जोश नहीं होगा। जय जवान, जय जवान, जय संविधान, जय संविधान, जय जवान। राज्यसभा सांसद और हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली में जमकर गरजे। दरअसल कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की तरफ से आज जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। NSUI के इस प्रदर्शन को नीरज कुंदन ने लीड किया। नीरज कुंदन NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। नारा दिया गया था, नौकरी दो या डिग्री वापिस लो। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और NSUI के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये नौजवान है और नौजवान के अंदर अगर जोश नहीं होगा तो फिर किसके अंदर होगा। हरियाणवी लहजे में भी उन्होंने कहा कि अगर नौजवान खुड़का नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि BJP कहती है, कांग्रेस कहाँ है। NSUI के कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि BJP अब देख ले, कांग्रेस सड़कों पर है। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ किसानों का जिक्र करना भी नहीं भूले। जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए और एक नया नारा भी दिया। NSUI के इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और हरियाणा की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने संबोधन दिया और केंद्र की मोदी सरकार से ये मांग की कि युवाओं को या तो रोजगार दें या फिर उनकी डिग्रियां वापस ले लें। आपको जानकारी होगी, देश में पिछले काफी दिनों से ये अभियान चलाया जा रहा है। रोजगार के मुद्दे पे कांग्रेस इस वक्त अग्रेसिव है और पिछले दिनों रोजगार दो के हैशटैग को भी वायरल किया गया था। आइए आपको सीधे सुना देते हैं कि इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार देश का युवा झेल रहा है। उस समय NSUI आगे आई और आप सब आगे आए और देश के युवा के संघर्ष, उसके भविष्य के संघर्ष, भविष्य के लिए संघर्ष में आपने आज यहाँ पे इतना बड़ा जो जंतर मंतर पे संसद का घेराव कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। मैंने बहुत से कार्यक्रम देखे NSUI के, केवल NSUI के। NSUI और यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम अलग है। यूथ कांग्रेस के और NSUI के जो कंबाइंड प्रोग्राम है वो तो शायद 1921 इससे बड़ा भी कोई प्रोग्राम देखा होगा। मगर नीरज जी, आपको बधाई देता हूँ, NSUI का इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। मैं आपको, आप सबको, पूरी आपकी टीम को, पूरी आपकी टीम को बधाई देता हूँ। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ, आपके संगठन को, आपके नेतृत्व को, नीरज को और सभी टीम को बधाई देता हूँ कि मैंने देखा है केवल ये देश के युवा के भविष्य की संघर्ष की बात नहीं है। जब कोरोना काल में देशवासियों की सेवा की बात आई तो NSUI आगे आई। जब किसान की बात आई, जब किसान की बात आई तो मैंने देखा हर बॉर्डर पे NSUI के तंबू लगे, LSUI के लंगर लगे और NSUI सबसे पहले किसान का दर्द बांटने के लिए कोई अगर छात्र संगठन आया तो NSUI आई। यहाँ पे वो चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग बॉर्डर्स पे सेवा करते हुए, जब मैं इन बॉर्डर्स पे गया, इन धरनों पे, और राम निवास खड़े हैं बीकानेर के, उस बॉर्डर पे दिन और रात सेवा, वहां पे सेवा भाव से ये नवदीप दलाल खड़े हैं, टिकरी बॉर्डर पे दिखाई दिया, अक्षय लाकड़ा खड़े हैं, विशाल खड़ा है, सारे। मैं एक एक नाम लूंगा तो जितने नाम लूंगा उतनी सूची में से नाम छूटेंगे। मगर जब देश का किसान, आज हम लोग यहाँ पे हैं, देश के नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर हमारे दिलों में देश के किसान का दर्द भी है। आज भी देश का किसान बैठा है, हजारों लाखों की संख्या में बैठा है, 20-20
किलोमीटर लंबे धरने के माध्यम से बैठा है। 300 जानों की कुर्बानी के बावजूद संयम और धैर्य से बैठा है। ऐसी असंवेदनशील सरकार, ये संसद गवाह इस बात की कि उन 300 जानों पे कभी विदेश में कोई घटना दुर्घटना हो जाए, दो चार जाने कहीं का नुकसान हो जाए, तो जिन प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के ट्विटर के हैंडल खड़कने लगते हैं, शोक समाचारों से हमें भी अफसोस होता है कहीं अगर दुर्घटना हो जाए। हमारे देश में 300 किसानों की जान कुर्बान हो गई इस आंदोलन में, मगर देश की संसद में जब हमने वो नाम प्रस्तुत किए, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि 2 मिनट का मौन आप धारण करिए, और सारा समूचा विपक्ष खड़ा हो गया। राहुल गांधी जी ने जब वो बात कही, सत्ता दल की तरफ से मजाक और खिल्ली उड़ाने की जो आवाज आई, उस खिल्ली की गूंज आज तक मेरे हृदय के अंदर उस खिल्ली की गूंज की पीड़ा है। और मैं भाजपा को बताना चाहता हूं, इस सरकार को बताना चाहता हूं, जो खिल्ली उड़ाई आपने देश के किसान की, वो खिल्ली आपको बहुत महंगी पड़ेगी। उस खिल्ली से ही आपका अहंकार चकनाचूर होगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सारे युवाओं को, आज हम यहाँ पे नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे अभी भी किसान बैठा है, आप सब एक बार हाथ खड़ा करके कि हम देश के किसान के साथ हैं और देश के किसान के समर्थन में हैं, और हम लड़ाई लड़ेंगे। किसान की आवाज कुचली नहीं जा सकती। सभी हाथ खड़ा करके, आगे पीछे ऊपर नीचे, एक बार हाथ खड़े करके कि देश के किसान के साथ हम हैं कि नहीं। पूरा नशीवाई संगठन सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि जोश के साथ होश, धैर्य और संयम, जोश के साथ होश, धैर्य और संयम से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। कोई भी राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा था जोश में आप नारेबाजी, और मैं सम्मानित मन से भी कहना चाहता हूँ, ये युवा खून है, अगर ये नौजवान है देश के, इनमें भी अगर जोश नहीं होगा, अगर कोई आवाज नहीं आएगी, कोई फुड़का नहीं होगा, तो और किसके अंदर जोश लगाना चला जाता है। तो हम सबको मिलकर लड़ाई ये संघर्ष आगे बढ़ाना है। NSUI को एक बार फिर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और इस लड़ाई में जैसे हमेशा NSUI की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी हमारी लगी, हम हमेशा आगे खड़े मिले, और इस लड़ाई में आगे भी कोई जिम्मेदारी हमारी लगेगी तो एक नौजवान के नाते भाई नीतीश गौड़ मंच का संचालन कर रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सारा परिवार अपना है, मैं तो एक एक को बाय नेम जानता हूँ, सारा परिवार अपना है, किसी का रह भी गया ना। और भाई आखिर में नारा थोड़ा बदलेंगे, जय जवान जय किसान का नारा तो आप देखते हो हर धरने पे, देश के अंदर एक वॉर क्राई हो गई है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। जय जवान जय किसान पहला नारा, दूसरा नारा जय संविधान जय नौजवान, ये दोनों नारे एक साथ लगाएंगे। ये लड़ाई है हमारी, ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई हमारी है, तो ये लड़ाई हमारी। तो इस नारे में आप सब मिलेंगे, जय जवान जय जवान जय संविधान जय संविधान।